श्री गुरु नानक देव जी खिलाफ गलत शब्दावली वरतन वाले आगू अनिल अरोड़ा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वख-वख सिख जथेबंदियों वालों लुधियाना समराला चौक विखे धरना दिता जा रहा है, जिन्हों वालों अनिल अरोड़ा की गिरफ्तारी न होने तक अपना रोस जारी रखने का ऐलान किया गया है। इस मौके सिख जथेबंदियों के आगुओं ने स्पष्ट किया कि उन्होंने वालों यह धरना बेअदबी करने वाले अनिल अरोड़ा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिता जा रहा है। घटना को 20 दिन होने हैं लेकिन हाले तक दोषी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बावजूद इसके कि पुलिस चाहे तो किसी को भी जल्द काबू करने की समर्था रखती है, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक दोषी की गिरफ्तारी नहीं होती वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। यह धरना तुहानू भी पता मैनू भी पता पूरी दुनिया को पता लग चुका है। एक चवल बंदे वालों गुरु नानक पातशाह बारे एडी भद्दी शब्दावली बोली गई जिहड़ी ना तो हिंदू सुन सकता ना वह मुसलमान सुन सकता तो ना कोई होर सुन सकता। वो बंदा जिहड़ा जिहड़े गुरु नानक पातशाह का संदेश है सभे सांझी वाल सदाइन कोई नंद से बारा जियो जिहड़े गुरु नानक पातशाह होका दे के कह रहे हैं अवर अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर पे सब जग उपजा कौन भदे कौन मंदे। तो ये चवल बंदे उठ के कभी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कर दें कभी गुरु ग्रंथ साहब के अंग खिलार दे गलियां च कभी गुरु ग्रंथ साहब चोरी कर लैन एक कभी उन्हों साठ सड़कट का करके उन्हों कर दे अग्न भेट कर दे। जी चल रही है ना ये एक साजिश तहत एक प्लैनिंग है भारत के मैं ये दसो आज जिन्हों विरोधी देश कहते हैं जोड़ा पाकिस्तान है कभी पाकिस्तान के इन्ने गुरद्वरे ने कभी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई कभी अफगानिस्तान जिते कहें जी बहुत खतरा जी उत्ते जी हिंदुआ खतरा फलाने खतरा उत्ते कभी बेअदबी हुई कभी नेपाल दे हुई कभी अमेरिका दे हुई। तो यार जिते मैं समझदा आ कभी यूपी च नहीं हुई जिते पंजाब बहुगिणती सिखां दी आ उत्ते ही टारगेट क्यों किया जा रहा सिखां नूं क्यों जलील किया जा रहा। जगह जगह गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हो रही है किसी नूं शराबी कह के छड्ड दिता जांदा किसी नूं पागल कह के बख्श दिता जांदा जे कोई बंदा मारता उत्ते सिंघू बार्डर के मौके पर बड़ा रौला पिया बड़े पिटे यो ही अनिल अरोड़े वर्गे बड़े इन्हां पोस्टर पाइया। मैं कहना जो अपील दलील तो वकील ना की कोई चीज़ ना रहे तो जो कोई सुनवाई ना हो जड़िया अदालत वो भी न्याय देन तो मुख मोड़ लैन तो फिर तो यारो फिर सिख की करूगा फिर तो इतने सड़कों पर बैठू ना। ये जो धरना जी जे मोर्चे के आगू ने वो दसणगे असी नाल हाँ जिन्ना चिर कहणगे असं भी उन्ना चिर तक बैठे हाँ बिल्कुल। पर गल यह उस अनिल अरोड़े का खहड़ा उन्ना चिर तक नहीं छड़ांगे जिन्ना चिर तक प्रशासन गिरफ्तार नहीं करे। साड़ी एक अपील है प्रशासन कोई ऐसा कानून बनाया जाए कभी किसी सिख ने बोलिया किसी धर्म के गुरु साहबाना बारे जां उन्हां दे देवी देवत्यां बारे कभी सिख ने नहीं बोलिया हाँ वह जवाब जरूर दिता हो पर यारो जिहड़े वार वार ये बोल रहे ने इन्हां दे उत्ते कोई ऐसा कानून बनाया जाए तां जो भाई हिंदू सिख ते मुसलमानां दी भाईचारक सांझ रह सके। कभी तुसीं वेखो तुसीं बस च जांदे हो उत्ते हिंदू भी ने उत्ते सिख भी ने कभी हिंदू सिख की लड़ाई वेखी कभी तुसीं खेतां च वेखी कभी मंडियां च वेखी कभी दुकानां ते वेखी। ते ये बंदे जिहड़े सिक्योरिटियां लई फिरदे ने इन्होंने ऐसा जहर घोलिया पिया इन्हां फिरकियां दे विच ये प्रशासन को चाहिए इन्हों फ जेलों च बंद किया जाए ता जो पंजाब का माहौल जो शांत रह सके इन सिक्योरिटियां वापस लिया जा। जड़ा अनिल अरोड़ा जड़ा ये कहते लभ नहीं रहा ये जड़े बंदे है ना ये जड़े सिखां दे खिलाफ जहर उगलते सूरी वर्गे आ जड़ा की ना आदा मंड अमित अमित अरोड़ा ये बंदे फड़ो ये बंदे दे कोलों निकलना बंदा बिल्कुल कितने बाहर नहीं गया ये बंदे उहदे साथियों नूं फड़ लो मैं समझा आपे ही बंदा आ जाना फड़िया जाना पुलिस दे काबू आ जाना। तुसीं की कहना चाहते हो कि सिर्फ धार्मिक भावां नूं ठेस पहुंचा के ही की करना चाहते हैं इस तरह के लोग यारो सिखां नूं जलील किया जा रहा एक प्लैनिंग के तहत सिखां नूं ही जलील किया जा रहा। कभी कोई पागल बंदा उन्हें कभी गीता लैके चुक के लग जाओ कभी वह कभी वह बंदा मस्जिद च जाके दारू पी के बढ़िया ये गुरुद्वारे क्यों आते इस करके सिखां नूं टारगेट किया जा रहा बिल्कुल एक प्लैनिंग के तहत किया जा रहा। यह प्रशासन भी समझना चाहिए कोई सिख सिर फिरे नहीं
सिख कोई पागल नहीं जिहड़ा इत्थे आण के बैठण, सारे कम्मां कारां वाले ने, सारिआं दे कारोबार ने। इस करके दर्द है कि वह बंदा गिरफ्तार करो, उन्ना चिर तक सिख जिहड़ा उहदा हिरदा शांत नहीं हो सकदा। अपना नाम? जसवंत सिंह चीमा। हाँ जी भाजी, अपना नाम? मेरा नाम जसकरन सिंह कान सिंह वाला, जनरल सैकटरी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर ते प्रधान किसान यूनियन अमृतसर जी। अज फिर अज धरना सानू देना पै रहा, गुलाम कौमां दा नाल ऐसे हुंदी है, गुलाम कौमां नू कदे इंसाफ नहीं मिलदा हुंदा, पर साडी मंग आ कि अनिल अरोड़ा नू तुरंत फड़िया जावे। ते पुलिस कह रही है कि असीं 10 लाख बरामद कर लिया, लख बरामद कर लिया, तो 6 बंदे नाल भी फड़े, चंगी गल है। पर सानू लोड़ है, सानू पता की चाहिए, सानू चाहिए अनिल अरोड़ा, पर सिख कौम इंसाफ लेके हटूगी। मैं थोनों इतिहास की गल हुणे दसदा, भाई राजोआणा सीगा, राजोआणे नू फांसी की सज़ा होगी, तो दविंदर पर भुल्लर नू भी फांसी की सज़ा होगी, तो सैशन चोर्ट जज कहिंदा फांसी, तो हाई कोर्ट कहिंदा फांसी, सुप्रीम कोर्ट कहिंदा फांसी, राष्ट्रपति कहिंदा फांसी, साडा ज्ञानी गुरबचन सिंह कहिंदा भी लो भाई जथेदार जी, भाई इहनू तू फांसी चढ़ना, तो तैनू मैं चोला भी दे देना, तो कमर कसा भी दे देना। तो असी लुधियाने मीटिंग की भी सिख कौम लड़ाई लड़ती है। फिर असी कहा कि 1 मार्च जाऊगा दमदमा साहब तो जेल नू, 1 मार्च जाऊगा अकाल तख्त साहब तो, 1 मार्च दमदमा साहब तो। फिर सिख कौम दे विच एड्डी वड्डी ताकत है, फांसी लगी बंदिआं नू असीं लुआ लिया, इस करके अनिल अरोड़े नू गिरफ़्तार होना ही पैना, करवाउणा ही पैना। सिख कौम ठीक है, लड़ाई लड़दी है, गुलामां वाली जिंदगी है, ताइयां साडा दरबार साहब ढाया कि असीं गुलाम हाँ, साडा घर बार नहीं है, साडे ते जुल्म हो रिहा। पर मैं तुहानूं कहिणा इंसाफ लए बगैर नहीं छड्डणा। आ जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब दे दोषी है ना, महिंदर बिट्टू नूं सबक सिखाया कि नहीं, 10 बंदे मालकिआं लई फड़ के अंदर है। हाँ, तुरंत गिरफ्तार किया जाए, बस कोई गल ही नहीं, तुरंत करो। हाँ तो चली जाता जी, लगातार बैठा है, सिंह बैठे, दमनजीत बैठे, सारी टीम बैठी है, सारे सिख। एनकाउंटर लुधियाना तो टिंका की रिपोर्ट।